एक तो डीजे नहीं बजेगा, दूसरा शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा, लाठी डंडा तलवार ये अलाउड नहीं। हजारों लोग लाखों लोग सड़क पे एक साथ आएंगे और एक ही लाइसेंस में आएंगे, तो उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। आप 2 लाख लोग ले आइए, लेकिन उस हिसाब से जो प्रशासन की शर्तें हैं वो आपको मानना पड़ेगा। प्रचार किया जा रहा है कि प्रशासन रोक रहा है, बिल्कुल नहीं रोक रहा है। हम लोगों ने मुहर्रम में भी नहीं रोका, हम लोगों ने रामनवमी में भी नहीं रोका, हम लोग अगले मुहर्रम में भी नहीं रोकेंगे। मुहर्रम में भी वही शर्त रहेगी और रामनवमी में भी वही शर्त रहेगी। लाखों लोग अगर जुलूस में भाग लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से परमिशन लेना पड़ेगा। ये भी कहा गया कि जो आधार कार्ड मांगा जा रहा है उससे जो है वो लोगों को फंसाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि रामनवमी का जुलूस से कितनी भी संख्या में निकले उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। कोई भी संगठन अगर नहीं निकालना था तो उनकी मर्जी है, हम लोग जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। अगर बिहार शरीफ में 200 आवेदन आते हैं, 200 तो हम लोग अलाउ करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलाउ नहीं होगा। शर्त सिर्फ ये है कि एक लाइसेंस में 200 आदमी और उसमें 10% वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का मतलब ये नहीं है कि उन पर जो है वो अगर कोई गड़बड़ होती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा नहीं। वॉलंटियर्स का मतलब वो है कि जो जिम्मेदारी ले सके अपने जुलूस की। रामनवमी को लेकर आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अभी तक 7 लोगों ने लाइसेंस लिया है, उसमें 2 राजगीर अनुमंडल में है, छबीलापुर थाना क्षेत्र में, 1 पावापुरी थाना क्षेत्र में, और 2 जो है वो आपका इस्लामपुर, 1 इस्लामपुर क्षेत्र में है, 1 परवलपुर में है, और 3 लाइसेंस जो हैं वो हिलसा थाना में लिए गए। जो शर्त हम लोगों ने रखी थी कि 200 व्यक्ति एक लाइसेंस, उसमें 10% वॉलंटियर्स होंगे, इस शर्त पर हिलसा क्षेत्र में एक ही जुलूस निकलता था, उन लोगों ने 3 लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग लगभग 500 से 600 लोग रहेंगे, तो उन्होंने 3 लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है 10% वॉलंटियर्स, तो उनका 3 लाइसेंस 3 जुलूस निकलेगा, एक साथ निकलेगा, और हम लोग उसके लिए व्यवस्था करेंगे। कई लोग जो है इसमें भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उस हम लोग दूर करना चाहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि संख्या बल अधिक रहेगा तो प्रशासन मना कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 2 लाख लोग ले आइए, लेकिन उस हिसाब से जो प्रशासन की शर्तें हैं वो आपको मानना पड़ेगा। आप लोग पिछले बार का 2023 का जो यहाँ दंगा हुआ था, जो विधि व्यवस्था की समस्या हुई थी, उसको बहुत करीब से देखे थे। कई पत्रकार हमारे ऐसे थे जो घटनास्थल पर मौजूद थे उस समय। संख्या जब बड़ी होती है तो उसको रेगुलेट करना किसी भी पुलिस फोर्स के लिए आसान नहीं। इसीलिए हम लोगों ने जो सुझाव रखा था वो रखा था कि हम लोग जुलूस को सेक्टर में मूव करें। सेक्टर मूव करने का था कि एक सेक्टर में एक बार में 200 लोग निकलें और वो आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर 200 का फिर अगला जुलूस निकलेगा, तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा। अगर बिहार शरीफ में 200 आवेदन आते हैं, 200 तो हम लोग अलाउ करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलाउ नहीं होगा। शर्त सिर्फ ये है कि एक लाइसेंस में 200 आदमी और उसमें 10% वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का मतलब ये नहीं है कि उन पर जो है वो अगर कोई गड़बड़ होती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा नहीं। वॉलंटियर्स का मतलब वो है कि जो जिम्मेदारी ले सके अपने जुलूस की। वैसे व्यक्ति जो अपने जुलूस की जिम्मेदारी लें, जिम्मेदारी में क्या जिम्मेदारी लेंगे, माइक संभालें, माइक पर नियंत्रण रखें। कई बार जो है वो भड़काऊ जो है वो गाने चला दिए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, कुछ ऐसी बात कही जाती है जो कि किसी दूसरे समुदाय को आहत कर सकती है, उस पर नियंत्रण होगा, इसलिए माइक का कंट्रोल करेंगे। जो रथ होता है, जिस रथ पर जो है वो जुलूस पड़ता है, उस रथ पर नियंत्रण करेंगे। लोगों को समझाएंगे कि ये दिशा है, जुलूस दूसरे मार्ग में ना चला जाए। इसलिए एक सुझाव हम लोगों ने दिया था कि भराव पर से संख्या कम करी जाए, लेकिन उस सुझाव वो भी कोई मैंडेटरी नहीं था, जब हम लोग जुलूस का लाइसेंस निर्गत करते हैं उसमें सारी कंडीशंस लिख देते हैं, क्या कंडीशंस में जुलूस निकला है। कंडीशंस स्पष्ट हैं जो पूरे राज्य में लागू हैं। एक तो डीजे नहीं बजेगा, पूरे राज्य में लागू है। दूसरा, शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा, पूरे राज्य में लागू है। लाठी डंडा तलवार ये अलाउड नहीं है, यही शर्तें हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने शर्त रखी थी कि छोटे छोटे टुकड़ों में जुलूस निकले। अब हजारों लोग लाखों लोग सड़क पे एक साथ आएंगे और एक ही लाइसेंस में आएंगे, तो उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। ये आप लोग चूंकि सभी लोग इतने सालों से देख रहे हैं, रामनवमी का जुलूस हो या मुहर्रम का जुलूस हो, दोनों जुलूस में ये इशू है। मुहर्रम में भी हम लोगों ने इस तरह की शर्त रखी थी, तो उसमें भी बिहार शरीफ में लोगों ने कहा कि नहीं, इतनी इस शर्त में हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक जुलूस में इतने लोगों को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे कि 200 ही आए, ज़्यादा आ जाएंगे तो फिर आप लोग कहिएगा, तो हम लोग नहीं कर रहे। अच्छी बात, हम 3 लोगों ने वहाँ लाइसेंस लिया था, उन्होंने छोटे स्तर पर जो है जुलूस निकाला और वो समाप्त हो गया। तो आप लोगों को स्पष्ट किया जाता है कि अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी लाइसेंसधारी थे पिछली बार के, उन सबको कहा जा रहा है कि आप छोटे छोटे उसमें आप ले लीजिए। अगर आपकी आप मान के चल रहे हैं कि 2 लाख लोग आ रहे हैं, हर वार्ड से कहते हैं कि हर वार्ड से एक जुलूस निकलता है,
तो वार्ड वायर आप लोग लाइसेंस ले लीजिए, लाइसेंस लें और उसके बाद आप लोग प्रेम पूर्वक समय से लाइसेंस निकालें, ये जुलूस निकालें और समय से जुलूस समाप्त करें, किसी प्रकार की रोक नहीं। अब कल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि प्रशासन रोक रहा है, बिल्कुल नहीं रोक रहा। हम लोगों ने मुहर्रम में भी नहीं रोका, हम लोगों ने रामनवमी में भी नहीं रोका, हम लोग अगले मुहर्रम में भी नहीं रोकेंगे, अगला मुहर्रम जो जुलाई के माह में है उसमें भी नहीं रोकेंगे। लेकिन शर्त तो रहेगी, मुहर्रम में भी वही शर्त रहेगी और रामनवमी में भी वही शर्त रहेगी। यही दो जो है जिसमें बड़ा जुलूस निकलता है, बाकी जो दुर्गा पूजा का जुलूस है, सरस्वती पूजा का जुलूस है, वो तो शांतिपूर्वक निकला है। प्रशासन का मूल उद्देश्य जो है, खास करके जो पिछली बार जो हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या देखी थी, उसके बाद है कि हम लोग नियमों को सख्ती से लागू करें जिससे कि जो आम आदमी को सहूलियत हो और जो जुलूस निकल रहा है वो जुलूस जो है वो रेगुलेट हो और उसको हम लोग आसानी से ट्रैक कर सकते, यही हमारा उद्देश्य है। तो मुहर्रम में लोगों ने नहीं निकाला कि जी शर्तें कड़ी, अभी भी लोग कह रहे हैं कि शर्तें कड़ी हैं, शर्तें जरूर कड़ी हैं लेकिन वो शर्तें हित में हैं और उन शर्तों में अगर ये लोग एक बार निकालेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये होगा कि जो जुलूस है वो बहुत व्यवस्थित रूप से निकलेगा और बहुत तरीके से जब जुलूस निकलता है तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ना देखने वाले को समस्या होगी, ना जुलूस में भाग लेने वाले को समस्या होगी और जो ना उनको समस्या होगी जिनके घर वहां है, जिनके घर रास्ते में पड़ते हैं उनको भी समस्या नहीं होगी। अगर हम ये कह रहे हैं कि डीजे नहीं बजने देंगे तो डीजे नहीं बजेगा तो किसी प्रकार का जो है वो ऐसा नारा या ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं होगा जिससे कि सुनने वाले को तकलीफ हो, यही हमारा कहना है। अगर तलवार नहीं हम अलाउ कर रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य यह है कि किसी प्रकार से शक्ति प्रदर्शन ना हो जिससे कि लोग कोई आहत हो, किसी को चोट लग जाए, कोई हिंसा हो जाए, उद्देश्य हमारा ये। इसलिए अगर लाखों लोग अगर जुलूस में भाग लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से परमिशन लेना पड़ेगा और ये हर जगह लेना पड़ता है। अब ये कोई एक आवेदन मिल जाए उसमें एक आदमी लिख के दे दे कि हम 2.5 लाख लोग आएंगे और सड़क पे आएंगे और एक ही आदमी आएगा, कैसे रेगुलेट होगा? संभव नहीं है, ये संभव नहीं है प्रशासन के लिए। हम कैसे रेगुलेट करें, किसको हम जिम्मेदारी देंगे माइक की, किसको हम जिम्मेदारी देंगे रथ की, कौन वो वॉलंटियर होंगे जो लोगों को कतारबद्ध करेंगे, कौन वो वॉलंटियर होंगे कि अगर क्राउड एक जगह रुक जाता है 10 मिनट तो उसको आगे बढ़ाएगा, कौन होंगे, हम किससे बात करें? जब हमारे पास वॉलंटियर्स की लिस्ट ही नहीं होगी हम किससे बात करें? ये भी कहा गया कि जो आधार कार्ड मांगा जा रहा है उससे जो है वो लोगों को फंसाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस अनुसंधान करती है, पुलिस का काम है अनुसंधान करना और साक्ष्य संकलित करके माननीय न्यायालय में साक्ष्य को प्रस्तुत करना। हमारा काम सिर्फ इतना है कि रामनवमी का जुलूस से कितनी भी संख्या में निकले उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लगातार कोशिश में है कि जुलूस निकले। यही हम लोगों ने मुहर्रम के समय भी किया था कि हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार हम लोगों ने संपर्क बनाया था। 3 लाइसेंस आए, उन्होंने छोटे स्तर पर निकाला, अभी भी वही है। निकालने के लिए अगर वो लाइसेंस देंगे, नियम अनुसार देंगे तो हम लोग अलाउ करेंगे और पूरी व्यवस्था की जाएगी, और अगर वो नहीं निकालना चाहते तो उनकी मर्जी है। कोई भी संगठन अगर नहीं निकालना चाहते तो उनकी मर्जी है, हम लोग जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने लाइसेंस के लिए अभी तक मैंने बताया आपको 7 आवेदन आए हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, हमने नियमानुसार उन्होंने अप्लाई किया है, नियमानुसार हमने उनको परमिशन दे दी है और वो लोग निकालेंगे, समय बता दिया गया है उनको। 5 घंटे के लिए अगर वो निकालना चाहते 5 घंटे भी अलाउ हुआ है। एक जुलूस में बोला गया कि जी 19 को हम लोग निकालेंगे, 18 को नहीं निकालेंगे, हमने 19 को भी अलाउ कर दिया, 19 को भी अलाउ किया, 19 को जो कि चुनाव है लेकिन हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं हो रहा है, अलाउ हो रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से यही हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की जो भ्रामक बातें की जा रही हैं कि प्रशासन मना कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम लोगों को भी ये हम लोग आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एकदम ऐसा नहीं है कि जुलूस अलाउ नहीं हो रहा। नालंदा जिले में 7 जुलूस अलाउ